अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कोविड-19 के बशमूल दीगर वायरल अमराज इन्फ्लुएंजा ILI पर गहरी नज़र रखने को कहा है। वजीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि मेट्रो रेल को बहुत जल्द LB नगर से हयात नगर तक वसात दी जाएगी। रियासती BJP ने आज TSPSC पर्चे के अफशा मामले की बरसर खदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया और सवालिया पर्चे की इंशा से मुतालिका होने वाले तलबा को फीकस 1,00,000 रुपए हर्जाना अदा करने का किया मुतालबा। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने आज बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर हवाएं चलने और गरज व चमक की पेश खयासी की गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क में जारी जमहूरियत के लिए इनकी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में मीडिया को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा है कि लोकसभा से इनकी रुकनियत खत्म करने के बावजूद भी वो अपना काम जारी रखेंगे। इन्होंने कहा है कि इन्हें पार्लियामेंट के अंदर रहने या बाहर रहने से फर्क नहीं पड़ता और वो मुल्क के लिए अपनी लड़ाई और जिद्दोजहद हमेशा जारी रखेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कारकुनों को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया, जबकि वो TSPSC पर्चे अफशा मामले पर एहतजाजी रैली में शिरकत करने वाले थे। ABVP कारकुनों के एक ग्रुप ने आर्ट्स कॉलेज की इमारत से धरना चौक की जानिब से एक रैली निकाली और वो BJP की जानिब से इंदिरा पार्क में मुनक़िद धरने में शरीक होना चाहते थे। कबल अज वक्त इजाज़त न लेने की वजह से पुलिस ने रैली को रोक दिया और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। दौरान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स और DOs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा इजलास मुनक़िद किया और इन्हें पुलिस अहदेदारों के साथ बंदोबस्त के इंतजाम में तआवुन करने की हिदायत दी। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ और ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियों जिसके जरिए पर्चे मुंतकिल किए जाएंगे पर गहरी नज़र रखने की भी हिदायत दी। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन चुका है और TB को ख़त्म करने के मामले में दुनिया के दीगर ममालिक की रहनुमाई कर रहा है। वो आज नई दिल्ली में TB को रोकने से मुतालिक 36वें बोर्ड मीटिंग को मुखातिब कर रहे थे। वज़ीर सेहत ने अपने बयान में कहा है कि TB को ख़त्म करने के मामले में मुल्क ने मुतअद्दिद अहम इक़दामात किए हैं और G20 ममालिक की सदारत के जरिए वो दीगर ममालिक की भी रहनुमाई कर रहा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कोविड-19 के बशमूल दीगर वायरल अमराज ILI पर गहरी नज़र रखने को कहा है। एडवाइजरी में वज़ारत की जानिब से बताया गया है कि इन बीमारियों में कई एक तरह से मुशाबहत पाई जाती है, ख़ासतौर पर बड़े पैमाने पर एक दूसरे को मुतासर करना और एक जगह से दूसरी जगह फैलने में भी इन बीमारियों में मुशाबहत पाई जाती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बुनियादी सेहत के एहतियाती इक़दामात के साथ इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ख़ासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, अवामी मुकामात पर थूकने से गुरेज किया जाए। इसके अलावा वज़ारत ने अवाम के दरमियान शऊर बेदारी करने पर भी जोर दिया है। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ एडमिरल R. हरिकुमार दो रोज़ा हैदराबाद के दौरे पर है, जहां इन्होंने 17 नेवल यूनिट्स के अफसरान और आला अहदेदारों से मुलाकात की। डिफेंस स्टेटमेंट में ये बात बताई गई। इन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ अहम मौजूदात पर खिताब किया और अफसरान को हिदायतें दी है। अफस्पा को लेकर मरकजी हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, शुमाल मशरिक रियासतों में बेसकून इलाके कम किए गए।
मरकज की मोदी हुकूमत ने एक बार फिर नागालैंड, आसाम और मणिपुर में मसले फौज खसूसी अख्तियारात एक्ट 1958 अफसपा के तहत ऐलान करदा बेसकून इलाकों के दायरे को कम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज जानकारी देते हुए कहा कि शुमाल मशरक खत्े में सिक्योरिटी से मुतालिक हालात काबिल जिक्र हद तक बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। MLA दाना गेंद्र ने कहा है कि रियासती हुकूमत का मिशन डॉक्टर BR अंबेडकर का एहतराम करना है, जिन्होंने आइन के जरिए लोगों को हकूक दिलवाए। दलित बरादरियों की जदोजहद के मुताबिक हुकूमत पंजागुट्टा सर्कल में आइन साज अम्बेडकर का मुजस्मा लगाने के लिए आगे आई है। MLA दनम ने वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक GHMC अहदेदारों के जरिए किए जा रहे इंतजाम का मुआयना किया। సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇది, ప్రత్యేకంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు మనసు ఉన్నటువంటి మహారాజు. మన ఈ 14 ఏప్రిల్ నాడు 126 అడుగుల స్టాచ్యూ ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తుందో అదే రోజు KTR గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్టాచ్యూ కూడా ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేస్తాడు, ప్రత్యేక ఇన్వైల్ చేస్తాడు. अजीत जगदीश रेड्डी ने वाजे किया है कि अपोजिशन पार्टियां बेरोजगारों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने वाजे किया है कि अपोजिशन चाहे कितनी ही शुरुआत कर ले, लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। ఏంది రద్దు కావాలి అర్జెంటుగా, ఇక గవర్నర్ అనుమతి ఇవ్వద్దు, మళ్ళీ మిగతా వాటిలా దీన్ని కూడా ఆపాలి, ఇక నిరుద్యోగులలో మేము ఆడుకోవాలి. నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు. మీ రాజకీయ క్రీడలో భాగంగా మీరు ఇద్దరు పోటీ పడుతూ నిరుద్యోగ యువతకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర యువత అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని. చేయండి దీక్ష, నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందాక మేము నిరాదీక్ష చేస్తామని ప్రకటించి కూర్చోండి. నిజంగా యువతకు ఉద్యోగాలు ఇప్పేయాలని ఉంటే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందాక నిరాదీక్ష చేస్తామని కూర్చోండి మీరు ఇద్దరు ప్రతిపక్ష నాయకులు. కానీ PSC రద్దు చేయండి, CBI ఇవ్వండి, మీకు గుర్తుందా చెప్పగలుగుతారు ఎక్కడైనా ఒక 10 సంవత్సరాల కాలంలో CBI ఒక కేసు పూర్తి చేసిన సందర్భం, ఎవరికైనా ఒక కేసు ఏదైనా ఈ దేశంలో దాని అర్థం అది ఎప్పటికి అట్లనే ఉండాలి, నిరుద్యోగులు ఎప్పుడు నిరుద్యోగులే ఉండాలి, మేము పిలిచే ధర్నాలకు రావాలి, వాళ్ళ జీవితాలు ఖరాబ్ చేసుకోవాలి, ఇది ఈ క్షుద్ర రాజకీయ నాయకుల ఆట, ఇది తెలంగాణ యువత అర్థం చేసుకోవాలి. एसी खायदी ने TSPSC पेपर लीक होने के खिलाफ एहतजाज के लिए URTC कॉलेज में एक रैली का अहतमाम किया। सवालिया पर्चे लीक होने की CBI या मौजूदा जज से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। इन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर बेरोजगारों के साथ इंसाफ ना किया गया तो तहरीक उठेगी। ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగ విద్యార్థుల జీవితాలతో ముడిపడినటువంటి ఇంత పెద్ద విషయాన్ని చాలా చిన్నగా చూస్తూ విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో యావత్ మంది తెలంగాణ ప్రజలు, నిరుద్యోగులు, యువకులు గ్రహిస్తా ఉన్నారు. మీరు ఇప్పటికైనా బయటికి వచ్చి మాట్లాడి తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు న్యాయం చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అసలు దోషులను శిక్ష పడేంత వరకు, వాళ్లను అరెస్టు చేసేంత వరకు విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకు ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తిన విధంగా, ఒక పెడుచెవు పెట్టే విధంగా ఈ రోజు నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకుంటా ఉన్నది. ఈ రోజు KCR ఇక్కడ ఒక పక్కన 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలను పణంగబెట్టి మహారాష్ట్రలో BRS సభలు జరుపుతా అంటూ, దేశం మొత్తం పాలిస్తా అంటూ ప్రగంభలం పలుకుతుంటూ ముందుకు పోతున్నటువంటి KCR కు ఒకటే అడుగుతున్నాం. ఇక్కడ 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులను బొందబెడుతున్నావు, తెలంగాణలో సమాజ్ చేసినవు, ఇలా దేశం మొత్తంలో ఉన్న యువతను సమాజ్ చేతానికి బయలుదేరుతున్నావు అని చెప్పేసి మేము నిష్పక్షపాతంగా. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में देरना व्हाइट फील्ड मेट्रो का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज बेंगलुरु में 4,298 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा व्हाइट फील्ड का दोगड़ी से कृष्णा राजपुरम के KRपुरा मेट्रो लाइन का इफ्तिताह किया। 12 स्टेशनों वाली 13.71 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूल के बच्चों, बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन रेलवे का कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन और तामीराती कारकुनों के साथ सवारी की। ये तामीर शहर में ट्रैफिक के हजूम को कम करने में मददगार साबित होगी।
अर्जी में शाहिद में शाहिद कपूर के किरदार की तरह एक शख्स को पुलिस ने शुमाली महाराष्ट्र के चलगांव जिले में अपने घर में बना तौर पर जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोट प्रिंट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त बटालाना के रिहायशी अमित कुमार और पटियाला के रिहायशी हनप्रीत सिंह के तौर पर की है। पुलिस के मुताबिक इन्हें मालूम हुआ है कि मुलजिम मोहाई के कुछ इलाकों में जाली नोट प्रिंट और गर्दिश कर रहे थे और दुकानदारों को निशाना बना रहे थे। हल्का हिस्सा में चंद्रान गुट्टे के हाफिज बाबा नगर में इफ्तार पार्टी में नखब मिलत अकबर उद्दीन उवैसी की शिरकत। हाफिज बाबा नगर में जनाब अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर चंद्रान गुट्टे ने दावत अफ्तार का इंतजाम किया, जिसमें मेहमान खसूसी फ्लोर लीडर हबीब मिलत अलहा जनाब अकबर उद्दीन उवैसी ने शिरकत की। आज हाफिज बाबा नगर हल्के समय चंद्रान गुट्टे के कॉरपोरेटर्स इब्तदाई सदूर व मुतमद्दीन और सरगर्म कारकुनों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दुकान की तरफ नहीं जाता हूँ, इधर जाते वापस
जनरल राकेश मनोचानी आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा सब एरिया का चार्ज संभाला। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से भी वाबस्ते रहे हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुल्क भर में दिफाई शोबे के तहत मुख्तलिफ मुकामात बशम मुल्क कश्मीरी वादी में भी वसी तजुबा रखते हैं। इन्हें दिफा के शोबे में गैर मामूली खदमात पर सेना मेडिकल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने आज बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंसूरियाल, निज़ामबाद, निर्मल, जगतियाल के मुख्तलिफ मुकामात पर हवाएं चलने और गरज चमक की ख्वाहिश की गई है। इन इलाकों में कल भी गरज चमक और तेज़ और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से औसतन दर्जे की बारिश और चंद एक मुकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। रेगुलर और खानगी एसएससी और इंटरकल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और वोकेशनल एसएससी इम्तहानात लिखने वाले तलबा के लिए हॉल टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने कहा है कि तलबा ऑफिशियल वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट एसएससी बोर्ड टाइम टेबल के मुताबिक आइंदा माह की 3 तारीख से इम्तहान का आगाज़ होगा। बोर्ड इम्तहान लिखने वाले तलबा अपने एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और रोल नंबर व दीगर अतलात यहाँ से मालूम की जा सकती हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वह इम्तहान के अवकात और दीगर अहम मालूम का बगौर मुशाहदा कर लें। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी के सीनियर कायद राहुल गांधी को नाअहल करार दिए जाने को लेकर रियासती बीजेपी ऑफिस नामपल्ली के रूबरू एहतजाज किया। पार्टी के खवातीन कारकुनों ने महिला कांग्रेस के सदर सुनीता राव की क़यादत में बीजेपी के दफ्तर के घिराव करने की कोशिश की। पुलिस ने इन कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रियासती बीजेपी ने आज TSPSC पर्चे के अफशा मामले की बरसर खदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। सवालिया पर्चे के अफशा से मुतासर होने वाले तलबा को फी कर्ज और 1 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा किया, जबकि रियासती बीजेपी सदर पंडित संजय और वजीर IT KT रामा राव इसे इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने इंदिरा पार्क हैदराबाद नीरुद्दिया गोड़ा महाधरना मुनद किया। पंडित संजय ने नौजवानों को तयखन दिया है कि वो और इनकी पार्टी तलबा के हकूक़ के लिए लड़ाई जारी रखेगी। इन्होंने बताया कि पार्टी की जानब से टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात करते हुए इनके ख्याल जानेंगी और पार्टी हर तरह से तलबा की मदद करेगी। TSC उम्मीदवारों के अलावा मुख्तलिफ तलबा सिविल और बेरोज़गारों की तंजीमों ने इनसे धरने में हिस्सा लिया और इजहार यकजहती किया। पार्टी के अराकीन असम्बली, साबिक़ अराकीन पार्लियामेंट और BJP से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन के अलावा दीगर तंजीमों के क़ायदीन भी इस मौके पर खिताब किया। ప్రభుత్వం మెడల్ వంచేదాకా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే చెప్పి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఉద్యమిస్తున్న తీరు
మనందరికీ తెలిసిందే, మీ అందరికీ తెలిసిందే. దీనికి ప్రధాన కారకుడైనటువంటి బాధ్యత వహించేటువంటి ఐటీ శాఖ మంత్రి కేసీఆర్ కొడుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిజైన్ చేయాలి, రాజీనామా చేయాలి, లేకుంటే ఆయన మెడల్ బట్టి బయటికి నూకాలి చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఈ దీక్షను ప్రారంభించింది. సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలి, సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపి అసలైన దోషులను తెర ముందెవడు తెర వెనుక ఎవడు వాళ్ళని గుర్తించాలి, వాళ్ళని కట్టకట్టాల వెనక్కి పంపాలి, వాళ్ళకు శిక్ష వేయాల్సిందే అని చెప్పి సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు ఈ మహాధర్నాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. దాంతోపాటు దాదాపు చాలా మంది లక్షలాది మంది యువకులు కష్టపడి కూలీనాలు చేసుకునే కుటుంబ సభ్యులు, నా కొడుకు డాక్టర్ కావాలి, నా కొడుకు ఆఫీసర్ కావాలి, నా కొడుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలి, మమ్మల్ని పెంచి పోషించుకుంటా అని చెప్పి ఒక కలలు కనటువంటి ఆ పేద ప్రజల యొక్క ఆశలు నిర్వీర్యం చేస్తూ అనేక మంది యువకులు కష్టపడి కోచింగ్ తీసుకొని అలా ఉద్యోగాలు రాస్తే ఎగ్జామ్స్ రాస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తును అంధకారం చేసిన సందర్భంలో ఇలా ఎవరైతే పరీక్షలు రాశారో ఆ యువత అందరు కూడా లక్ష రూపాయల వృత్తి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడానికే ఈ రోజు ఈ మహాధర్నాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. पेश आए दो अलहदा हादसों में चार लोगों की मौत वाक़ हो गई. पहला हादसा सुबह के अवलिन सातों में चर्च कमांड एरिया के खरीफ फ्लाई ओवर पर उस वक्त पेश आया. मोटर बाइक पर तेज़ रफ्तारी से सवारी करने वाले दोनों जवानों की बाइक फिसल कर फ्लाई ओवर के रेलिंग से टकरा गई. मेडीपल्ली गांव मोड़ी गंडोग मंडल से तारुकने वाले ये नौजवान चर्च कंपाउंड को जा रहे थे कि हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई जबकि दूसरे नौजवान का खम्मम अस्पताल में इलाज जारी है. एक दूसरे वाक़े में रिंग रोड सेंटर वायर एयरपोर्ट जोड़ के इस वक्त मुकाम हादसे पर ही मौत हो गई जब एक किलो पटर ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी. ये लोग हैदराबाद आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया. वज़ीर फाइनेंस मिर्ज़ा सत्तवरमन ने आज एक अहम जायजा इजलास मुनाक़िद करते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक नई दिल्ली से मुतालिक मसाइल और हेल्थ पैरा सेंटर्स का जायजा लिया. इस मीटिंग में मुमलिकती वज़ीर बराए ख़जाना डॉक्टर भगत कड़, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चेयरमैन SBI और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अलावा पब्लिक सेक्टर्स बैंक के CEOs ने शिरकत की. दीजिए नाजरीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में. साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन. दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़. थैंक यू.